ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार यूपी में काबा। बिहार विधानसभा चुनाव के टाइम पे मैंने गाया बिहार में काबा, तो वहां पर भी जनता के प्रॉब्लम्स को एक गाने में पिरो करके गाया। कईयों को पसंद नहीं भी आया और गवर्नमेंट को तो एकदम पसंद नहीं आया। रुका रुका समझावा तनी बिहार में काबा। जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है हमने पूछ दिया गवर्नमेंट से कि यूपी में काबा। कोरोना से लाखन मर गयले, लासन से गंगा भर गयले, टिकटी या कफन नोचत कुकुर बिलारवा, ए बाबा काबा। उत्तर प्रदेश सरकार तो इतनी, मतलब अब मैं क्या ही बताऊं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन गानों से जवाब दे रही है। जे कबो न रहल अब्बा यूपी में सब्बा। नहीं ऐसा नहीं हुआ है, पर मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं इसके लिए कि हमारे पार्टी के प्रचार के लिए भी। और वही नहीं, आज सभी विपक्षी पार्टियों के पास इतना पैसा जरूर है कि 10 लाख 20 लाख रुपया देके किसी को भी खरीद सकता है। पर मैं आपको बता दूं कि मैंने मना कर दिया। वीडियो को सही दिखाने के लिए ऐसे पल्लू को ऐसे मैं संभाल के बैठी हुई थी, उसमें एक मक्खी भी उड़ रही है। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ पता नहीं क्यों आ जाती है। हमको जब भी ये लगता है कि हमारे ये जो हैं बड़ा सही लग रहे हो तब हमको धोखा दे देते हैं। 2014 में मैंने अपने सारे घर वालों को कहा था कि मोदी जी को वोट दे, मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े ही हैं। लेकिन भैया जब आप हमको लगेगा कि आपने वादे करके वादे नहीं निभाए तो हमको तो आपने बढ़िया फंसाया भैया, आपने बढ़िया उल्लू बनाया, हम तो यही कहेंगे कि आपने हमको उल्लू बना दिया। लोग हमारे यहाँ प्यार से गरियाते हैं, तो वो एक शादी का गीत था, वो पारंपरिक लोक गीत गारी था, तो वो लोग गीतों की परंपरा है, एक विधा है जिसमें गारी गाया जाता है। वो फूहड़ नहीं होता, वो अश्लील नहीं होता। जिंदगी झंडवा फिर भी गवंडवा।